हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला आई मेकअप लुक ब्लू एंड गोल्डन, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि दी आप ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करो, आई मेकअप लुक। सो मैंने उनके लिए खास आज क्रिएट कर दिया है। और वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग को भी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कॉमेंट डाउन करना, मैं जरूर उस पर भी वीडियो बना दूंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ये निविया की चिल्ड मिंट वाली क्रीम। काफी अच्छी वाली मॉइस्चराइजर है, फेस मॉइस्चराइजर है, आप परचेस कर सकते हो गाइस। फिर मैं लगा रही हूँ ये प्लम का टोनर, ये ग्रीन टी वाला टोनर है। पर आप मुझे ये कॉमेंट डाउन करिए ना कि टोनर मॉइस्चराइज से पहले लगाते हैं कि बाद में। अब मुझे पता नहीं था तो मैं बाद में ही लगा रही हूँ। और मैंने इसको कूलर के सामने रखा था तो ये बिल्कुल ठंडा ठंडा सा हो गया है। सो टोनर आप मुझे कमेंट डाउन करिए कि कैसे लगाते हैं, ओके? क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टोनर है, क्योंकि मैं कभी टोनर लगाती नहीं हूँ, मुझे पसंद। सो गाइस, फिर मैं करूंगी अपनी आईब्रोज को सेट। और आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ स्ट्रेस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। इसमें जो ब्लैक और ब्राउन शेड है ना ये वाला, उसी से ही मैं अपनी आईब्रोज फिल करूंगी, ओके? आईब्रोज मेरी सेट हो गई। अब मैं कंसीलर के लिए यूज करूंगी बियॉन का ऑयल कंट्रोल कंसीलर। सो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है कंसीलर, ओके? बस मुझे ज्यादा नहीं लगाना है। एंड मेरा शेड है 01, ओके? इसको सेट करूंगी, क्योंकि सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना, अक्सर मेरे से ये गलती हो जाती है। मुझे लगाना किसमें था और मैंने लगा किसमें लिया मतलब मुझे इसमें नहीं लगाना था, इसमें लगाना था। चलो इट्स ओके, इसको छोड़ते हैं। अब इसमें ध्यान देते हैं। दोनों लिड में लगा लिया है ब्लू काजल। अब मैं इसमें से ये वाला जो ब्लू शेड है ना ये वाला, इसको मैं इस ब्रश से लगाऊंगी, ओके? इस वाले से, ब्रश नहीं है ये, एप्लीकेटर है ना ऐसा वाला। जैकलम हिल की आई शेडो पैलेट में से ये गोल्डन वाला कलर, जो ये वाला गोल्डन कलर है, इसको मैं लेकर अपनी लिड में लगाऊंगी, ओके? मैं यहां से नहीं, लिड में लगाऊंगी, ओके? क्रीज जैसा नहीं किया, ओके? सो मैं बस अपनी सेकेंड आईज कंप्लीट करके आती हूँ अभी जस्ट। सो मेरी दोनों आईज कंप्लीट हो चुकी हैं और अब मैं हटाती हूँ सेलो टेप। सो बिल्कुल नीट और क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है, देख सकते हो आप लोग। और कुछ ज्यादा हैवी नहीं, बहुत सिंपल आई मेकअप लुक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने फेस मेकअप के ऊपर। उसको मैंने लगा लिया और बहुत थोड़ा सा लगाया है, क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है प्राइमर लगाने की, ओके? फिर मैं अपने बेस के लिए ले रही हूँ ये गार्नियर की बेबी क्रीम। इससे ना आपका बेस बहुत अच्छा बनता है, ये वाली गार्नियर वाली क्रीम से, और बल्कि स्टे कर्की वाली। और ये ना थोड़ा डोई बेस, मतलब डोई इफेक्ट देती है ये वाली क्रीम, और बहुत शाइनी शाइनी सा आपका फेस लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये वाली जरूर लेना, आपको बहुत पसंद आएगी। देखो मैंने इतनी सी ली थी, डॉट डॉट करके लगाई और कितना अच्छे से ब्लेंड हुई है, कितना शाइन आ रहा है फेस में। अब मैं इसे पफ से सेट कर रही हूँ, कॉज मैंने आपको जैसे अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि अगर आप पफ से सेट करते हो तो आपका केक ही नहीं लगता है। और ब्रश से ज्यादा मुझे पफ से अच्छा लगता है, क्योंकि ना किसी किसी का होता है कि मतलब नहीं अच्छे से सेट हो पाता है बेस, तो आप इससे सेट करोगे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और केक ही नहीं आएगा, मतलब केक ही नहीं लगेगा।
ब्लू काजल लगा रही हूँ। वो ब्लू वाला कलर जो था उसको मैं नीचे लगाऊंगी, बहुत हल्का हल्का लगाऊंगी, ज्यादा ज्यादा नहीं लगाऊंगी। सो इस ब्लश पैलेट से मैं ब्लश लगाऊंगी, बट आज मैं कॉन्टोरिंग नहीं करूंगी। मैं ब्लश लगाऊंगी, तो ब्लश के लिए मैं ये ऑरेंज वाला शेड लूंगी। ओके, जैसे कि आप लोग मुझे बहुत कमेंट डाउन करते हो, बहुत कमेंट करते हो कि भाई आप ब्लश बहुत लगाती हो, ब्लश बहुत लगाती हो, सो आज मैं बहुत थोड़ा सा ही ब्लश लगाऊंगी। ओके, सो अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर इस वाली पैलेट से, ये वाला लूंगी। सो मुझे लिपस्टिक लगाने के लिए बहुत लाइट सा कलर चाहिए, पर कलर में बस लाइट कोई है ही नहीं, मतलब है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, और मुझे बहुत न्यूड सा चाहिए, तो मैं क्या यूज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। सो मैं क्या सोच रही हूँ, पहले मैं लिप बाम लगाऊंगी, उसके बाद मैं ये वाला शेड लगाऊंगी। ओके, मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। सो गाइज, लिपस्टिक लगा ली है, हेयर स्टाइल बना के मैं अभी यूं आती हूँ। सो गाइज, यही थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है सो प्लीज जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जाके अभी कभी प्रेस करो, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। सो या मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।